पश्चिम बंगाल में ममता से गठबंधन के लिए हुई अधीर रंजन चौधरी की छुट्टी। क्या बीजेपी से करीबी पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष को भारी पड़ी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने घर को सुधारने में जुट गई है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने तमाम प्रदेश इकाइयों के ढीले पेच कसने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की सूरत बदली गई। वहां अधीर रंजन चौधरी से प्रदेश की कमान को लेकर पूर्व सांसद और सीनियर नेता सोमन मित्रा को सौंप दी गई है, लेकिन अधीर रंजन को हटाए जाने के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चौधरी के खिलाफ पार्टी में नाराजगी, उनकी बीजेपी से कथित करीबी, सबको साथ लेकर नहीं चलने के आरोप और ममता बनर्जी के प्रति सख्त रवैया उनकी विदाई का बड़ा कारण माना जा रहा है। बताया जाता है कि चौधरी जिस तरह से वहां बीजेपी और मुकुल राय के खिलाफ बयानबाजी से बचते हैं, उसे भी पार्टी के भीतर संज्ञान में लिया गया। वहीं अधीर रंजन चौधरी टीएमसी से गठबंधन के सख्त खिलाफ हैं। ममता के प्रति अधीर के रुख से कांग्रेस नेतृत्व को लगने लगा था कि उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते ममता के साथ वहां तालमेल की गाड़ी को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। ऐसे में प्रदेश की कमान उन मित्रा को सौंपी गई, जो खुद टीएमसी से कांग्रेस में आए हैं। वहीं अधीर की प्रभारी गौरव गोगोई से पटरी ना खाने को लेकर भी चर्चा गर्म है। हालांकि हाई कमान ने चौधरी को पूरी तरह से अलग थलग नहीं किया गया है, उन्हें प्रचार कमेटी जैसी अहम जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश की कमान बदलने के कयास काफी समय से लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी को अचानक उनके पद से छुट्टी कर दी गई, उससे वो खुद नाखुश बताए जा रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो अधीर की जिस तरह से बीजेपी के साथ करीबी रही है और जिस तरह से वो कुर्सी जाने से नाराज हैं, उससे आने वाले दिनों में किसी बड़े उलटफेर होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।